इस मंदिर में मुर्दा भी हो जाते हैं जिंदा। महा मुंडेश्वर महादेव देते हैं मौत के बाद जीवन का वरदान। सिर्फ जल छिड़कने से जीवित हो जाता है मृत व्यक्ति। शिवालय के दीपक को एक टक देखने से होती है पुत्र की प्राप्ति। विध का विधान है, जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति की मृत होने के तत्काल बाद ही उसकी आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ देती है, और एक बार आत्मा छोड़ने के बाद उस शरीर में पुनः कभी प्रवेश नहीं करती है। वह दूसरी योनि या दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो चला गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन जन्म व मृत्यु तो ईश्वर का खेल है, और ईश्वर की मर्जी व उसके चमत्कार के आगे कुछ भी नहीं है। अगर भगवान चाहे तो उसके आगे सृष्टि के नियम में भी बदलाव हो जाता है। जन्म मृत्यु से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात करें कि इस दुनिया में मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, तो शायद आप इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम आपको भोलेनाथ के एक चमत्कारी मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जहां अगर 100 को लेकर जाया जाए तो आत्मा उस समय में पुनः प्रवेश कर जाती है। जी हां, इस बात का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है। जिस चमत्कारी मंदिर की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो मंदिर देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर लाखा मंडल नामक स्थान पर स्थित है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग लाखा मंडल के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाखा मंडल आप कैसे पहुंच सकते हैं। लाखा मंडल पहुंचने के लिए देहरादून से दो मार्ग हैं दोस्तों। दोनों रास्तों आगे यमुना पुल पर मिलते हैं। एक रास्ता मंसूरी से होते हुए जाता है। मंसूरी होते हुए देहरादून से यमुना पुल की दूरी लगभग 67 किलोमीटर है, और दूसरा रास्ता विकास नगर से जाता है। विकास नगर से होते हुए देहरादून से यमुना पुल की दूरी लगभग 76 किलोमीटर है। विकास नगर होते हुए चक्राता से भी लाखा मंडल पहुंचा जा सकता है। चक्राता मार्ग से जाने के लिए लखवाड़ बैंक स्थान के पास एक रास्ता निकलता है। चक्राता से लाखा मंडल की दूरी वो है लगभग 60 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये हो गया मोटर मार्ग का रास्ता। अगर आप रेल मार्ग द्वारा लाखा मंडल पहुंचने के लिए, निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लाखा मंडल की सड़क की मार्ग की दूरी लगभग 118 किलोमीटर है। इसे तय करने में लगभग 4 से 5 घंटा लग जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हवाई मार्ग से। तो हवाई मार्ग द्वारा लाखा मंडल पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहां से लाखा मंडल की सड़क मार्ग दूरी 133 किलोमीटर है। इसे तय करने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस शिवलिंग के सामने दो द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था, तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता था। इस प्रकार मृत व्यक्ति यहाँ लाया जाता था और कुछ पल के बाद फिर से वो जिंदा हो जाता था। जीवित होने के बाद उस व्यक्ति शिव नाम लेता है और गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। मंदिर की पिछली दिशा में दो द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। दो द्वारपालों में से एक का हाथ कटा है, जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लाखा मंडल का इतिहास काफी रोचक है, जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास के दौरान पांडव माता कुंती के साथ यहीं पर रुके थे। यहां उन्होंने हजारों लाखों शिवलिंग व मूर्तियों का निर्माण किया था। यहां पर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा निर्मित एक शिवलिंग है,
जिसे महामंडलेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इस शिवलिंग के बाहर चार मठ हैं जिसकी परिक्रमा मात करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार लखा मंडल मंदिर एक और आसपास के इलाकों को ऐसा स्थान माना जाता है जहां दुर्योधन ने लक्षाग्रह घर में पांडवों को जीवित जलाकर साजिश रची। पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर पहली बार तब खोजा गया था जब एक गाय शिवलिंग पर हर दिन अपने दूध से नहलाती थी। एक दिन स्वामी ने अपनी गाय का पीछा किया और तब उसे इस मंदिर का पता चला। लखा मंडल मंदिर केदारनाथ मंदिर की एक प्रतिकृति है। यहाँ पर त्रेता का रामलिंगम, द्वापर युग का कृष्ण लिंगम भी है। इसके साथ ही यहाँ कलयुग का अद्भुत शिवलिंग भी है जिस पर पानी चढ़ाने से भक्त अपनी प्रतिछाया को साफ देख सकते हैं। यह मंदिर देवता भगवान शिव व देवी पार्वती को समर्पित है, जो समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 1372 मीटर है। दोस्तों, लखा मंडल मंदिर दो शब्दों से मिलता है। पहला शब्द जो है लखा, जिसका अर्थ होता है कई। दूसरा है मंडल, जिसका अर्थ होता है मंदिर या लिंगम। लखा मंडल ठीक यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान महादेवशिव के अनोखे मंदिर के लिए जाना जाता है और यहाँ जगह जगह पर शिवलिंग व मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। मंदिर में माता पार्वती के पैरों के निशान भी हैं और मंदिर में लगे हर पत्थर पर गाय माता के खूर यानी पैर के निशान भी हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा लखा मंडल का संपूर्ण वर्णन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे कि वो यहाँ आने का प्लान बना सके। और चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को विराम करता हूँ। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव।